क्वाड समिट से पहले जो बाइडेन से मिल सकते हैं पीएम मोदी। 20 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। सम्मेलन में होने वाले सभी कार्यक्रम व्हाइट हाउस में होंगे। सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, बजान शब्द से परहेज क्यों, ये कोई असंसदीय शब्द नहीं। देश में 24 घंटों में कोरोना के 30,570 नए मामले। कोरोना से 431 मरीजों की हुई मौत। पिछले 24 घंटों में 64,000 से ज्यादा वैक्सीन शॉट लगाए गए। यूपी में दिखा चक्रवात तूफान का असर, दो दिन से कई जिलों में लगातार बारिश। दीवार गिरने से बलिया में दो, बरेली में एक की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। इस मुलाकात के बाद ही व्हाइट हाउस में क्वाड नेताओं की बैठक होगी, जिसमें अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक, कोविड-19 महामारी और जलवायु संकट जैसे संवेदनशील मामलों पर बात की जाएगी। वॉशिंगटन और नई दिल्ली स्थित अधिकारियों ने कहा है कि पीएम मोदी सबसे पहले 23 सितंबर को अपने व्यापारिक रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ पीएम मोदी एक खुले, मुक्त, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत विभिन्न पहलुओं के माध्यम से अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। समिट से पहले जो बाइडेन से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 24 को क्वाड समिट में उसका हिस्सा भी बनेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, चाहे वो अफगान की स्थिति हो या फिर कोरोना महामारी की स्थिति। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ही नहीं, बाकी अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि अब्बाजान कोई असंसदीय शब्द नहीं है और मुस्लिम वोट की चाहत रखने वाले लोगों को आखिर सबसे परहेज क्यों है। मुख्यमंत्री ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में अब्बाजान शब्द के इस्तेमाल पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए पर इस शब्द से परहेज क्यों, क्या ये असंसदीय शब्द है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और किसी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सवाल पर कि आखिर अब्बा जान कहकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संदेश बहुत स्पष्ट है और लोग समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अखिलेश सत्ता में थे तब उनके पास समय नहीं था, वो पूर्वान 11 बजे सोकर उठते थे और 2 घंटे बाद नहाते थे, दोपहर का भोजन करने के बाद 10 मिनट के लिए दफ्तर जाते थे और अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहते थे। ऐसी हालत में वो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की अगुवाई की नहीं कर सकते और ना ही उनकी सुनवाई कर सकते हैं। ऐसे तमाम बातें जो हैं वो योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कही हैं। दरअसल अब्बाजान शब्द से परहेज को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 30,570 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 38,303 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 431 मरीजों की संक्रमण के चलते जान चली गई। नए आंकड़े जारी होने के बाद देश में कुल मामले 3,33,47,325 हैं। वहीं अब रिकवरी की संख्या बढ़कर 3,25,60,000 से ज्यादा है। इसके साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा हो गया है और अब तक करीब 76 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 64 लाख से ज्यादा वैक्सीन शॉट दिए गए। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 208 लोगों की जान चली गई। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,000 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 2 लोगों की जान गई। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया।
संक्रमित हुए दो और लोगों के स्वस्थ होने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 13 रह गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 20 और लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही राज्य में बुधवार तक कोविड 19 के चपेट में आने वालों की कुल संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। तो देश में 24 घंटों में करीब 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और बीते कई दिनों से मामले 40,000 से कम हैं। राहत की बात है, लेकिन अब भी आंकड़े शून्य नहीं हुए हैं। ऐसे में हमें सावधानियां बरतने की जरूरत है। जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर काम करने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है। गोरखपुर आयकर दाताओं को बिना तकलीफ दिए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल करना उद्देश्य होगा। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से अब रिटर्न फाइल करना और देनदारियां तय करना काफी आसान होने जा रहा है, इसलिए करदाताओं को भी इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कहना है गोरखपुर के नए प्रधान आयकर आयुक्त का। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि आयकर के बारे में लोगों को समय समय पर जागरूक करते रहना और शासन से निर्धारित लक्ष्यों का हासिल करना विभाग का प्रमुख काम है। ये काम सरलता और बिना किसी को तकलीफ दिए किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए देश के अधिक से अधिक नागरिकों को निर्धारित कर सरकारी कोष में जमा करें, यही विभाग की शुरू से कोशिश रही है। अपनी मंशा से उन्होंने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को अवगत भी करा दिया है। तो गोरखपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर रिटर्न फाइल करना और देनदारियां तय करना काफी आसान होने जा रहा है। एक नई समय सीमा जो है वो बना दी गई है। तो नए प्रधान आयकर आयुक्त लोगों को लगातार जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे ही आगे भी लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाएगा, ताकि जो लक्ष्य यहां पर आयकर विभाग का है वो लक्ष्य तय समय पर हासिल हो सके। दरअसल गोरखपुर आयकर दाताओं को बिना तकलीफ दिए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल कराना उद्देश्य होने जा रहा है। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से अब रिटर्न फाइल करना, देनदारियां तय करना काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए करदाताओं को इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये कहना है गोरखपुर के नए प्रधान आयकर आयुक्त का। उन्होंने ये भी कहा है कि आयकर के बारे में लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाएगा। शासन से निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना विभाग का प्रमुख उद्देश्य है। ये काम सरलता और बिना किसी को तकलीफ दिए किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए देश के अधिक से अधिक नागरिक निर्धारित कर सरकारी कोष में जमा करें, यही विभाग की शुरू से कोशिश रही है। उन्होंने अपनी मंशा भी साफ कर दी है, कहा है कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत भी करा दिया गया है कि वो लगातार इस पर काम करते रहें। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ यांत्रिक कारखाना मंडल गोरखपुर संबद्ध NFRI के आवाहन पर मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के सामने 13 से 18 सितंबर के बीच मनाए जाने वाले विरोध सप्ताह के तहत बारिश के पानी में भीगते हुए यांत्रिक कारखाना मंडल कर्मचारियों ने पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के बैनर तले एक विशाल प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संयुक्त महामंत्री मंडल मंत्री श्री आरपी भट्ट ने कर्मचारियों के बीच राष्ट्रीय ज्ञापन, जो अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को संबोधित और स्थानीय मांगों का ज्ञापन भी पढ़कर सुनाया है। तो गोरखपुर से खबर सामने आई, जहां पर पूर्वोत्तर रेल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखा गया है। पूर्वोत्तर रेल कर्मचारी संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। भारी बरसात में भी ये प्रदर्शन लगातार चलता रहा और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। मथुरा नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में बुधवार को सनसनीखेज हंगामा उस समय हो गया जब एक परिवार ने बैठक में मौजूदा मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य पर 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया। उनके आरोप सुनकर नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी और पार्षद हक्के बक्के रह गए। वह मुश्किल हंगामा करते पीड़ित परिवार को नगर आयुक्त ने मामले की जाँच के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन देते हुए वहां से रवाना किया। मथुरा का एक पूरा मामला है जहाँ पर न्याय नहीं मिलने से पीड़ित परिवार जो है हंगामा करने लगा। तो नगर निगम महापौर पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया है परिवार द्वारा। दरअसल मथुरा नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी बुधवार को, जहां हंगामा खड़ा हो गया। एक परिवार ने बैठक में मौजूदा मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य पर 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया। उनके आरोप सुनकर वहां जो मौजूद
अधिकारी थे जो पार्षद थे आयुक्त के, वो हक्के बक्के रह गए, सन रह गए। बमुश्किल हंगामा करते पीड़ित परिवार को नगर आयुक्त ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन दिया और बामुश्किल वहां से रवाना किया है। देखिए, मैं पैसे वैसे की डिमांड तो किसी से नहीं करता और दरअसल में मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ। रियलिटी है, मेरे सामने एक दिन केस आया था, काफ़ी लोग आए थे तो वो ये कह रहे थे कि भाई ये दुकान पे मेरा कब्जा है और मैं इस दुकान पर रहूँगा। जब मैंने उसकी तय में गया और हमारे यहाँ जो आर के मित्तल हैं ऐसे, मैंने उनसे पूछा, मैंने आखिर ये मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति किसी ने अपनी सहानुभूतिपूर्वक उसको बैठा लिया था। ये मुझे आर के मित्तल जी ने बताया, वो काफ़ी दिन से वहाँ बैठा हुआ है। लेकिन अगर कोई बैठ जाए किसी की सहानुभूति पर और वो ज़बरदस्ती नगर निगम की दुकान पर कब्जा करे, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी को फ्री में दे दी जाएगी दुकान, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमने कहा इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए और इसको देखिएगा, मेरे कार्यकाल में कोई भी काम गलत नहीं होगा और उसके लिए फिर आज मैंने एक कमेटी बना दी है, जो कमेटी डिसाइड करेगी वो होगा, ना किसी से पैसे की डिमांड करते हैं ना किसी से पैसा लेते हैं। ए साहब, मेरी संजय मार्केट के सामने दुकान है, 8 नंबर, करीब 15 साल से मैं बेकाबू हूँ उस पर, और ये मतलब महापौर साहब ने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। ये एक योजना निकली है, 20% की, वो मैंने जमा कर दी। अब ये जो करें, या तो 15 ले ले या 20 मुझे दे, मैं तेरा सामान फेंक जाऊँगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। 6 बार बुलाया था मुझको। यह योजना कब निकली थी? ये हरी योजना की चाप कॉपी है मुझ पर। तो उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे? नहीं, मुझको कुछ नहीं किया, अखबार में निकली थी, अखबार की रिपोर्ट है मुझ पर। किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं? ये मतलब वो तो नंबर 2 में लिए जा रहे हैं और 1 नंबर में 2,52,000 मेरे जमा हुए। पश्चिम बंगाल के चक्रवात तूफान का असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। यहाँ कई जिलों में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। गुरुवार सुबह से ही लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, भदोही, गाजीपुर, कानपुर, चित्रकूट, बहराइच, बांदा, देवरिया, इटावा, फतेहपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बिजली भी चमक रही है। शनिवार यानी कि 18 सितंबर तक मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। बारिश के चलते तापमान अचानक से नीचे गिर गया है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम ठंडा हो गया है। तेज बारिश के चलते बलिया और बरेली में 2 हादसे हुए हैं। इसमें 3 लोगों की जान चली गई। बलिया में दीवार गिरने से दादी और पोते ने दम तोड़ दिया, जबकि बरेली में 4 साल के बच्चे की जान चली गई है। तो यूपी में चक्रवात तूफान का असर लगातार देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो बारिश के चपेट में हैं और बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं और ऐसे में जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो 3 लोगों की जान चली गई है। आने वाली 18 तारीख तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बाढ़ बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर दीवार गिर रही है, कहीं पर पेड़ टूटकर गिर रहे हैं, कहीं पर लोगों की जान जा रही है, तो कहीं पर जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। आने जाने में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर 30 सितंबर को न्यायालय अगली सुनवाई करेगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में 2 बार बहस होने के बाद अग्रिम तारीख दी गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने औरंगजेब का फरमान और अन्य डॉक्यूमेंट न्यायालय के समक्ष पेश किए। पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट में दाखिल की गई एप्लीकेशन ने कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत कराया था ऐसा समझौता, ऐसी जानकारी है। 13-37 एकड़ भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए भी सुनवाई की गई। शाही मस्जिद को हटाने के लिए एएसआई द्वारा सर्वे कराने और मस्जिद को ब्रज 84 कोस से बाहर स्थापित करने को लेकर दायर की गई याचिका, जिसको लेकर अब 30 सितंबर को सुनवाई होनी है। दरअसल विवाद जो है लगातार ये बढ़ता जा रहा है, उस विवाद को लेकर लगातार सुनवाइयां हो रही हैं, लेकिन एक हल जो है वो अब तक नहीं निकल पाया है। जो आसपास के लोग हैं ब्रजभूमि के, वो लगातार ये कहते हैं कि जो मस्जिद है वो वहां से हटनी चाहिए, लेकिन मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मस्जिद की जमीन है और यहाँ पर मस्जिद ही हमेशा से ही रही है। लेकिन जो यहाँ पर मंदिर के पक्षकार हैं उनका कहना है कि
श्री कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ है तो श्री कृष्ण की ये भूमि है, ऐसे में ये मंदिर यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। तो विवाद काफी सालों से चला आ रहा है लेकिन उम्मीद जागी है कि आने वाले समय में जल्द ही इस विवाद का हल निकाला जाएगा। देखिए जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के आज माननीय सिविल जज महोदया के यहाँ तारीख थी इसमें, और आज हमने इसमें एक विशेष रूप से एक एप्लीकेशन दी, उसके साथ हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी दाखिल किया। और आज हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है जो दाखिल किया है कि 1967 को जो मुकदमा दर्ज दायर किया गया था और जिसमें के श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ की तरफ से 12 प्रतिवादी थे और ईदगाह मस्जिद की तरफ से वादी हमारे थे हिंदू पक्ष की तरफ से और 34 प्रतिवादीगण थे। हमीरपुर के सदर थाना क्षेत्र में महिला आरक्षी ने पुलिस विभाग का बड़ा खुलासा कर दिया, जिसमें महिला ने पुलिस कार्यालय की अपर पेशी में रुपए लेकर ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं महिला कांस्टेबल ने उत्पीड़न का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और जहरीला पदार्थ खा लिया। वहीं जहरीला पदार्थ खाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हमीरपुर का एक पूरा मामला है जहां पर महिला सिपाही ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उसने जहरीला पदार्थ खा लिया जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुलिस कार्यालय की अपर पेशी में रुपया देकर आगे पेशी कराने को लेकर वो परेशान थी, जिसको लेकर उसने जहर खा लिया। हमीरपुर का एक पूरा मामला जोहार सदर थाना क्षेत्र में महिला आरक्षी ने पुलिस विभाग का एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें महिला ने पुलिस कार्यालय की अपर पेशी में रुपया लेकर ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं महिला कांस्टेबल ने उत्पीड़न का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला है और जहरीला पदार्थ खा लिया। वहीं जहरीला पदार्थ खाने के बाद पुलिस के महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको भी लगातार जांचा जा रहा है। दरअसल जो महिला आरक्षी है उसका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर रिश्वत लेकर लगातार काम किए जा रहे थे, जिसका उसने विरोध किया तो उसका उत्पीड़न किया गया। उत्पीड़न का उसने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खाकर जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। सहारनपुर के डीपीआरओ विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष कर्म सिंह ने तत्कालीन डीपीआरओ उपेंद्र राज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सफाई कर्मचारियों की सेवा समस्याओं के निस्तारण के लिए मौजूदा डीपीआरओ पर 1,00,000 रुपए लेने का आरोप है, जिसके बाद सफाई कर्मचारी और जिलाध्यक्ष ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ कर्म सिंह को सस्पेंड किया गया था। आला अधिकारियों पर शिकायत करने के बावजूद भी डीआरपीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इससे काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो डीपीआरओ पर 1,00,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। दरअसल रुपए ना देने पर सफाई कर्मचारियों को उन्होंने सस्पेंड किया था, तो सभी सफाई कर्मचारी मौके पर इकट्ठा हुए, शिकायती पत्र भी थाने में दिया है, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बागपत के बड़ौत कस्बे में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि बीजेपी के कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुद्दा विहीन और बिना एजेंडे के बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में थाने और तहसील गुंडे और अपराधियों के तौर तरीकों से चलते थे और महिलाओं किसानों से लूट होती थी, व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती थी, लेकिन 4.5 सालों में 235 अपराधियों को एनकाउंटर में धाराशाही करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो बागपत पहुंचे प्रदीप चौधरी और अखिलेश यादव पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिना किसी एजेंडे के अखिलेश यादव बखलाए गए हैं। भाजपा सांसद ने अखिलेश यादव के मुद्दों को मुद्दा विहीन बता दिया है। उनका कहना है कि उनकी जो बातें हैं वो पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। जब सपा की सरकार थी तब गुंडे माफिया लगातार थाने चलाते थे, लेकिन हमारी सरकार में अपराधी थरथर कांपते हैं। तमाम एनकाउंटर्स किए गए हैं, साथ ही साथ अपराधी आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए लगातार हमने काम किया है, लेकिन सपा सरकार में महिला और किसानों से लूट हुआ करती थी, व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती थी।
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए अब पुलिस महानिदेशक ने एंटी ड्रग टास्क फोर्स का गठन किया, जिसकी जिम्मेदारी केवल नशे के कारोबार पर रोक लगाने की है। ऋषिकेश में पहली बार एडीटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपियों के कब्जे से 6 किलो 400 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया। खास बात यह है कि यह गांजा कहीं आसपास से नहीं बल्कि 1200 किलोमीटर दूर बिकार से उत्तराखंड बेचने के लिए लाया गया। गांजे की डिलीवरी होने से पहले ही एडीटीएफ की टीम ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस तस्करों से लगातार पूछताछ कर रही है। बलरामपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान सुनीता बंसल को भ्रष्टाचार की भारी भरकम शिकायतें मिली, जिसके बाद सुनीता बंसल ने सीएमएस प्रवीण कुमार समेत कई डॉक्टर्स को जमकर फटकार लगाई। वहीं औचक निरीक्षण में कई सारे डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद सुनीता बंसल ने सीएमएस को भ्रष्ट डॉक्टर्स और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार को बदनाम करने में लगातार लगे हुए हैं। फिरोजाबाद में पुलिस ने ब्लड डोनेशन कैंप के बाहर से चोरी की गई बाइक के साथ एक चोर और 3 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 7 चोरी की बाइक, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। एसएसपी अशोक कुमार ने मामले का खुलासा करने के बाद पकड़े गए आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। ये पूरा मामला सामने आया फिरोजाबाद से, जहाँ पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, जहाँ पर चोरों ने बाइक उड़ा ली और मौके से फरार हो गए। इसके साथ 3 कबाड़ी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जहां पर ये बाइकों को बेचा करते थे। देखिए, बड़ा विचित्र खुलासा है ये आपके जो विकेश हैं, जो कल जेल गए हैं, आज ही सरकार का अभियान चला था, कल के लिए चला था, परसों चलाया था, तो उस अभियान के तहत विकेश पकड़े गए और कल जेल चले गए थे। उनसे जो पूछताछ हुई तो उसमें एक नाम प्रदीप का बताया था उन्होंने। प्रदीप की खासियत ये है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप, आजकल हमारा जनपद डेंगू से प्रभावित है, हमने पुलिस लाइन में भी लगवाया था, इसी तरह से तमाम स्वयंसेवी संगठनों ने और राजनीतिक लोगों ने भी लगवाए थे ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये राठौर जी ने कैंप लगवाया था, वहाँ पर इन्होंने प्रदीप ने ब्लड डोनेट किया और वहीं से गाड़ी चुरा लिया, उसी गाड़ी आयोजक की गाड़ी चुरा लिया, तो बड़ा बदनामी हुई उससे। लोगों ने कहा कि देखिए, हम लोग कैंप लगवा रहे हैं, गाड़ी चोरी हो गई, तो पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई थी उसमें। बहरहाल हम लोगों ने मुकदमा लिखा, कार्रवाई किया, ये पकड़े गए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज था वहाँ पे, ये पकड़े गए। उसके बाद और पूछताछ हुई तो ये 5 कबाड़ी आपके सामने हैं जो गाड़ी करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।